मैं जेवीएन डॉक्टर मंजू चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, हिंदी शिक्षण विषय में भाषा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। भाषा शब्द भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। भाषा स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट करती है। भाषा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना मानव का इतिहास। भाषा के लिए सामान्यतः यह कहा जाता है कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की परिभाषा पर विचार करते समय रविंद्रनाथ श्रीवास्तव की यह बात ध्यान देने योग्य है कि भाषा केवल अपनी प्रकृति में ही अत्यंत जटिल और बहुस्तरीय नहीं है, वरन अपने प्रयोजन में भी बहुमुखी है। उदाहरण के लिए, अगर भाषा व्यक्ति के निजी अनुभवों एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, तब इसके साथ ही वह सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति का उपकरण भी है। एक और अगर वह हमारे मानसिक व्यापार का आधार है, तो दूसरी तरफ वह हमारे सामाजिक व्यापार का साधन भी है। इसी प्रकार संरचना के स्तर पर जहां भाषा अपनी विभिन्न इकाइयों में संबंध स्थापित कर अपना संश्लिष्ट रूप ग्रहण करती है, जिनमें वह प्रयुक्त होती है, प्रयोजन की विविधता ही भाषा को विभिन्न संदर्भों में देखने के लिए बाध्य करती है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न रूपों में देखने और परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर कामता प्रसाद गुप्त गुरु का कहना है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। आचार्य किशोरीदास का भाषा के संबंध में कहना है कि विभिन्न अर्थों में संकेतिक शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भाषा के संबंध में कहते हैं, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबू राम सक्सेना ने कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समिष्ट रूप से समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है, भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। रविंद्रनाथ का मानना है, भाषा वागेंद्रिय द्वारा निस्तृत उन ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है, जो अपनी मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होते हैं और जिनके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपनी सामाजिक संहिता पद तथा अंतर व्यक्तिगत संबंधों को सूचित करते हैं। इस प्रकार भाषा यादृच्छिक वाक् प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसे मुख द्वारा उच्चारित किया जाता है और कानों से सुना जाता है और जिसकी सहायता से मानव समुदाय परस्पर संपर्क और सहयोग करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं,
कि मुख से उच्चरित ऐसे परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की समष्टि ही भाषा है, जिनकी सहायता से हम आपस में अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। हिंदी भाषा का महत्व। हमारे देश भारत की मुख्य भाषा हिंदी है, जैसा कि हम जानते हैं। बिना हिंदी के हम कोई भी अपनी दिनचर्या नहीं बिता सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का आधिपत्य है, जो हमारी भाषा हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए शायद वो आज तक अभी नहीं मिला है। लेकिन बिना हिंदी के हम अपने विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, और सौभाग्य में हमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के वाराणसी में स्थित हरिश्चंद्र कॉलेज में इंटर की पढ़ाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हिंदी भाषा का महत्व भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस कथन से लगाया जा सकता है। निज भाषा उन्नति अहि सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मटत नहिए को सूल। कायर कला शिक्षा आमत ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषी माही प्रचार। निज यानी अपनी मूल भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही हमारी सारी मूल भाषा ही सभी उन्नतियों का मूलाधार है, और मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण संभव नहीं है। हमें विभिन्न प्रकार की कलाएं, ऐसे मित्र शिक्षा तथा अनेक प्रकार का ज्ञान सभी देशों में से जरूर लेने चाहिए, परंतु उनका प्रचार मातृभाषा में ही करना चाहिए। हिंदी भाषा का इतना अधिक महत्व है कि बिना हिंदी को इंटरनेट से जोड़े लोगों को इंटरनेट से नहीं जोड़ सकते हैं, और जब कोई भी काम अपनी भाषा में हो तो यह लोगों को जल्दी समझ में आती है, और इसी कारण अब इंटरनेट की दुनिया भी हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपना लिया है, जिससे हर भारतीय अब आसानी से इंटरनेट से जुड़ सकता है। सही अर्थों में कहा जाए तो अगर हम अपने मूल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करें, तो निश्चित ही विविधता वाले भारत को अपनी हिंदी भाषा के माध्यम से एकता में जोड़ा जा सकता है। हिंदी के महत्व को देखते हुए प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस एक ऐसा अवसर होता है जिसके माध्यम से सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। भाषा की प्रकृति के बारे में हम यही कहेंगे कि भाषा मानव जीवन की एक सामान्य व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसे मानव को ईश्वर द्वारा दिया गया अमूल्य उपहार कहा जाता है। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। विभिन्न कौशल जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, समझना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। आरंभ में बालक भूख लगने पर रोता है तो माँ समझ जाती है कि बालक को भूख लगी है। फिर धीरे धीरे परिवार के संपर्क में रहकर आपसी संवादों को सुनकर बालक उनका अनुकरण करता है, और इस तरह वह भाषा के क्षेत्र में पारंगत हो जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भाषा अनुकरण की वस्तु है तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक परिवार की अपनी बोली होती है, कोई मालवी तो कोई बुंदेली, भगेली, निमाड़ी, कुड़ी बोली बोलने वाले हैं। बालक सर्वप्रथम इन्हीं के संपर्क में आता है,
परिणाम स्वरूप वह यह बोली सीखता है जिसे उसकी मातृभाषा कहा जाता है। धीरे धीरे बालक का संपर्क क्षेत्र बढ़ता है, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उसका परिणाम राष्ट्रभाषा और मानक भाषा से होता है। चाहे वह किसी भी विषय का शिक्षार्थी रहे, भाषा सदैव उसके मूल में रहती है, अतः उसका भाषाई पक्ष सुदृढ़ और मजबूत होना अति आवश्यक है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका भाषा शिक्षक की होती है। भाषा शिक्षक कैसा होना चाहिए, बालक के जीवन में उसकी क्या भूमिका है, यह भी जानना अति